बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैमीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 टेबलस्पून चॉप्ड ऑनियन, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगैनो लीव्स, 1/2 टीस्पून बेजिल लीव, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब हम टमाटर छील लेते हैं। देखिए टमाटर कितने फ्रेश हैं और इनका ग्रीन पार्ट रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह करके हम बाकी के टमाटर भी छील लेते हैं। छीले हुए टमाटरों को हम बारीक बारीक काट लेते हैं। ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब हम सॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टोव हम ऑन कर लेते हैं। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म करना है। अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे। चॉप्ड ऑनियन, गार्लिक और ऑनियन को हमने ब्राउन नहीं करना, इनको हमने सिर्फ सोते करना है हल्का सा। ये गार्लिक और ऑनियन सोते हो चुके हैं। अब हम इसमें टोमेटो ऐड कर देते हैं। और टोमेटो को ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टोमेटो अच्छे से गल जाए। दस मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम टोमेटो चेक कर लेते हैं। होप सो टोमेटो गल चुके होंगे। और ये देखें टोमेटो सही से गल चुके हैं। हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। ओरिगैनो, बेजिल लीव, सॉल्ट, केचप, ओरिगैनो,
पेपरिका पाउडर, मिक्स कर लेते हैं। स्पाइसेस हमने तमाम अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। कवर नहीं करेंगे तो इसके छींटे बाहर आएंगे। इसको कवर कर देते हैं। पाँच मिनट गुजर चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। सॉस हमारी थिक हो चुकी है। अब हम इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे और इसको बहुत ही पेस्ट की फॉर्म में नहीं लाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। चूल्हा हम ऑफ कर देते हैं। सॉस को हमने ब्लेंड कर दी है और ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ी और थिक हो जाए। इसको हम कवर कर देते हैं। स्टोव हमने ऑफ कर दिया है। 3 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम सॉस को देख लेते हैं। और ये सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। आप इसे एयर टाइट जार में प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।